कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का मैथ्स एंड वी आर ऑन मिसलेनियस एक्सरसाइज. मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शंस. हमें कोई दो फंक्शंस का एग्जाम्पल देना है. कौन से फंक्शंस? एफ एक फंक्शन है जो कि है फ्रॉम एन टू एन, दैट इज नेचुरल नंबर्स, राइट. और जी कोई दूसरा फंक्शन है सच दैट जी के डोमेन है हमारे पास, अगेन जी की डोमेन भी एन है, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम एन टू एन. ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं सच दैट जी ऑफ एफ इज ऑन टू, सच दैट जी ऑफ एफ इज ऑन टू. जी ऑफ एफ कैसी है हमारे पास? ऑन टू, यानी कि गॉफ फंक्शन जो है इनका कॉम्पोजिशन फंक्शन वो हमारा ऑन टू फंक्शन है. बट एफ इज नॉट ऑन टू, बट एफ इज नॉट ऑन टू. तो बेसिकली हमें दो चीज़ें देखनी हैं. एक तो ये कि एफ जो है हमारा फंक्शन एफ जो हम डिफाइन करेंगे वो ऑन टू ना हो, और दूसरा ये कि जी ऑफ एफ जो है यानी कि गॉफ फंक्शन है वो कैसा हो, ऑन टू फंक्शन हो. तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स. मैं एक फंक्शन ले रही हूँ एफ एक्स, सच दैट एफ एक्स एक फंक्शन एफ ले रहे हैं, राइट. तो एफ एक्स किसके इक्वल है? x प्लस वन के. मैंने क्या लिया? मैंने लिया कि f x इक्वल है x प्लस वन के. तो अगर हम इसे एरो डायग्राम से शो करेंगे तो हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, इसकी डोमेन एंड को डोमेन. ये है n, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है, राइट. नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो x प्लस वन यानी कि 1 प्लस 1 इज 2, मेरे पास क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगी 2, 2 की इमेज आ जाएगी 3, सिमिलरली 3 की इमेज 4 एंड इमेज ऑफ 4 इज 5. ठीक है, इस तरह से 5 की इमेज अगर मैं लिखूँगी तो दैट वुड बी 6, क्या आ जाएगी 6, एंड सिमिलरली इट विल गो ऑन, चलता जाएगा. लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है. ठीक है, 1 की कोई क्या नहीं है, प्री इमेज. तो इसका मतलब f जो है फंक्शन f, यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया है, फंक्शन f. ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. अब मैंने देखा 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है इन द डोमेन. अगर 1 की प्री इमेज नहीं है दैट मीन्स इट इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू. एफ जो है फंक्शन वो ऑन टू फंक्शन नहीं है. अब बात करते हैं फंक्शन जी की. जी के लिए एक और हमें नेचुरल नंबर्स का सेट चाहिए, राइट. दैट इज कोडोमेन ऑफ जी, जी की कोडोमेन है. और हम यहाँ ले लेते हैं एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. ठीक है, और ये 6 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं. अब यहाँ देखते हैं जी को कैसे डिफाइन करेंगे. जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन. जी एक्स को मैंने डिफाइन कर दिया एक्स माइनस वन. ठीक है, देखते हैं हमारा काम बनता है या नहीं. हमें क्या चाहिए, जी ऑफ एफ ऑन टू चाहिए. तो अगर मैं x माइनस वन डिफाइन करूँगी तो 2 की इमेज क्या आ गई, 1 आ गई. ठीक है, 3 की इमेज क्या आ गई, 2. देन 4 माइनस वन इज 3, 5 माइनस 4 इज दिस एंड दिस. अब यहाँ देखिए हमारे पास 1 की कोई इमेज नहीं आई, लेकिन 1 की इमेज तो चाहिए, राइट. अगर 1 की इमेज हमें चाहिए तो हम लिखेंगे दैट x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. ठीक है, जब x ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो x जब 1 से बड़ा है तब हम लिख रहे हैं x माइनस 1, और x जब 1 के इक्वल है, x जब 1 के इक्वल है तो हम लिख देते हैं कि उसकी इमेज भी क्या होगी, 1 होगी. यानी कि gx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 और gx इज इक्वल टू, राइट. ठीक है, ये हमारे पास आ गया.
तो मैंने क्या कर दिया, जब x हमारा 1 है तो उसकी इमेज भी क्या हो गई, 1 हो गई. ठीक है, अब हमारे पास हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है, प्रॉपरली डिफाइन हो गया हमारा जो g फंक्शन था. और हमारे पास यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की कोई ना कोई प्री इमेज भी है. ठीक है, तो पहली चीज़ जो प्रूव करनी थी दैट इज़ f इज़ नॉट ऑन 2. वो कैसे प्रूव की हमने, हमने देखा यहाँ पर 1 एक ऐसा एलिमेंट है विच डज नॉट हैव एनी प्री इमेज. ठीक है, दैट मीन्स f इज़ नॉट ऑन 2, f जो है वो ऑन 2 नहीं है. अब शो करेंगे दैट g ऑफ f इज़ ऑन 2. g ऑफ f जो है वो कैसा है, ऑन 2 है. तो g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास हमने g ऑफ x डिफाइन कर रखा है. सो मैं लिख सकती हूँ y इक्वल टू x माइनस 1 है. दिस इम्प्लाइज x क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x आ जाएगा इक्वल टू y प्लस 1. यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, मैंने माइनस 1 को इक्वल टू के इस तरफ लिया है तो x इज इक्वल टू y प्लस 1. और इससे पहले आपको ये ज़रूर लिखना है दैट योर x जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1. यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, देयर एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी y, फॉर एवरी y विच बिलोंग्स टू n, वी हैव और देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 1. ये मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा जब x 1 से बड़ा है उसके लिए हमारे पास हर बार x इज इक्वल टू y प्लस 1 आएगा, यानी कि y के लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी. और सेकंड थिंग मैं ये भी बोल सकती हूँ, फॉर y इज इक्वल टू 1 ऑल्सो वी हैव x इज इक्वल टू 1 एज इट्स प्री इमेज. दिस इम्प्लाइज यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो गॉफ फंक्शन g फंक्शन जो है वो कैसा है, ऑन टू. अब गॉफ फंक्शन की बात करते हैं. ठीक है, गॉफ ले लेते हैं g ऑफ f. ठीक है, g ऑफ f अगर मैं x पर लगाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा g ऑफ f x. क्या आएगा, g ऑफ f x आएगा. और f x क्या है, f x है x प्लस 1. g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक बार लगाएंगे ये वाला और सेकेंड टाइम जब 1 लेंगे तो हम लगाएंगे ये सेकेंड टर्म. यहाँ पर लेट अस टेक g ऑफ x प्लस 1, मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसको कैसे लिखेंगे, ये इक्वल आएगा x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 1 यानी कि x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब x जो है हमारा एक से बड़ा है. ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x, राइट, x के इक्वल आ गया. और सेकेंड थिंग इट विल बी 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x जो है हमारा वो 1 होगा. यहाँ पर हमें ये नोट ये लिखने की ही ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 1. जब हमारी ये वाली वैल्यू 1 हो, जब ये टर्म, दिस इज योर y, दिस टर्म इज 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट. x प्लस 1 कर देते हैं इसको और ये हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगा. तो दैट मींस g ऑफ f इज ऑन 2. g ऑफ f कैसा आ गया, ऑन 2 आ गया. हमने यहाँ पर दिखा दिया कि f जो है हमारा वो फंक्शन ऑन 2 नहीं है, बिकॉज 1 की कोई प्री इमेज नहीं है. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक प्री इमेज है. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया कि फंक्शन g ऑफ f जो है वो कैसा है, ऑन 2 है. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7.
जिसमें बेसिकली हमने एग्जाम्पल्स दिए दो फंक्शन के और ये दिखाया कि उनका कॉम्पोजिशन ऑन टू है, लेकिन फंक्शन एफ जो फर्स्ट फंक्शन था दैट इज़ नॉट ऑन टू.